हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उन्हें और आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि आप अपनी स्किन को कैसे ब्राइटर, लाइटर, ग्लोइंग एंड हेल्दी बना सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन पहले बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग थी लेकिन अभी बहुत ही डल हो गई है, अगर आप अपनी स्किन के नेचुरल कलर को रिस्टोर करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किन को ब्राइटर बनाना चाहते हैं, लाइटर बनाना चाहते हैं, अपनी स्किन में पिंकिश ग्लो चाहते हैं, तो आज की रेमेडी आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वर्क करेगी। इसके अलावा आपकी स्किन में एक तरह से ब्लीचिंग इफेक्ट देगी जिसकी वजह से आपकी स्किन काफी फेयरर, ब्राइटर दिखेगी, आपकी स्किन में व्हाइटनिंग इफेक्ट होगा। सो विदाउट एनी डिले वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है पोटैटो। तो आपको इसको धुल करके इसके जूस को निकाल लेना है। तो इसके जूस को निकालने के लिए आपको इसको कद्दूकस कर लेना है, देन आपको इसके जूस को कलेक्ट कर लेना है। सो गाइस, आलू में बहुत ही ज़्यादा हाईली नेचुरल इफेक्टिव ब्लीचिंग एजेंट होते हैं जो कि आपकी स्किन से डार्कनेस, डलनेस को दूर करते हैं। इसके अलावा आलू आपकी स्किन से सन स्पॉट्स, टैनिंग, मेलाज्मा, फ्रेकल्स को रिमूव करता है, स्किन लाइटनिंग को ये प्रमोट करता है, आपकी स्किन को ये ब्राइटर बनाता है। तो आपको आलू को ग्रेट करके इसके जूस को कुछ इस तरीके से निकाल लेना है। सेकेंड, आपको ऐड करना है इसमें बीटरूट जूस को। तो आपको अच्छी तरीके से इसको भी धुल करके इसके जूस को निकाल लेना है। तो आपको ग्रेट करके इसके जूस को कलेक्ट कर लेना है। सो गाइस, चुकंदर के रस में विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जो कि आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, कॉम्प्लेक्सन को फेयरर करता है, आपकी स्किन में देता है ये पिंकिश ग्लो। तो आपको कुछ इस तरीके से बीटरूट जूस को कलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको एक अलग बाउल में ऐड करना है 1 चम्मच बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर जो कि आपकी स्किन से इम्प्योरिटीज को बाहर निकालेगा। इसके बाद आपको ऐड करना है 1 चम्मच राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा जो कि आपके फेस पे कसाव देगा। इसके बाद आपको ऐड करना है जो हम लोगों ने पोटैटो जूस तैयार किया था उसको आपको ऐड कर देना है। इसके बाद आपको ऐड करना है बीटरूट जूस, देन आपको ऐड करना है इसमें लेमन जूस जो कि आपकी स्किन में ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा। इसके बाद आपको ऐड करना है लास्ट इंग्रेडिएंट जो कि है आलमंड ऑयल। आपको 1 चम्मच बादाम का तेल ऐड करना है जो कि आपकी स्किन में मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। देन आपको इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करके स्मूथ लम्प फ्री पेस्ट तैयार करना है। गाइस, इसको आपको फेस पैक की तरह अप्लाई करना है। एंड गाइस, ये आपकी स्किन की रंगत को तो निखारेगा ही, साथ ही आपकी स्किन में ये डीप एक्सफोलिएशन का भी काम करेगा क्योंकि इसमें पोटैटो की ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज है, विटामिन सी है, बीटरूट की गुडनेस है जो कि आपकी स्किन से रिंगल फाइन लाइंस को रिड्यूस करेगा, आपकी स्किन की क्लियरिटी को बूस्ट करेगा, आपकी स्किन में जितनी भी जमा गंदगी है, डेड स्किन सेल्स है, उसको भी रिमूव करेगा। तो इसको अप्लाई करने के बाद आपको करना है 1/2 घंटे का वेट। उसके बाद आपको अपने फेस को ठंडे पानी से धो लेना है। इसके बाद आप खुद फील करेंगे कि आपकी स्किन में जो डार्कनेस है वो दूर हो रही है, आपकी स्किन में जो भी दाग धब्बे हैं वो लाइटन हो रहे हैं, साथ ही आपकी जो कॉम्प्लेक्सन है वो ब्राइटर हो जाएगी, आपकी स्किन काफ़ी स्मूथ हो जाएगी, आपकी स्किन काफ़ी सफल हो जाएगी एंड आपकी स्किन में जो पिंकिश ग्लो है वो तो दिखाई ही देगा। तो अगर आप भी अपनी स्किन को क्लियर ग्लोइंग बनाना चाहते हैं तो आप इसे वीक में 4 से 5 बार यूज़ कर सकते हैं, इसके बेहतरीन रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। तो अपनी स्किन के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए एंड अपना भी ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।